अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा तालिबात, आज हम जमात दहम की चौथी गज़ल जिसे फ़ानी बदायूं ने तहरीर किया है इसका मुताला करेंगे, इसे पढ़ेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं, हिंदी ज़बान की एक कहावत है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी जहाँ पर सूरज नहीं पहुँचता वहाँ पर शायर का तख़य्युल उसकी सोच पहुँच जाती है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर शायर ने बयान करने की कोशिश की है। शायरी में इंसान ज़िंदगी कायनात के बारे में अजीब व गरीब ख्यालात मिलते हैं जो हमें महसूसात की एक अलग दुनिया में ले जाते हैं और गौर व फ़िक्र पर आमादा करते हैं। फ़ानी बदायूनी की इस गज़ल में भी ऐसी ही बसीरत अफरोज़ बातें बयान की गई हैं। जान पहचान, फ़ानी बदायूनी का असल नाम शौकत अली ख़ान था। वो 1879 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में पैदा हुए। बरेली कॉलेज से बीए पास करने के बाद वो कुछ अरसे तक मुदर्रिस रहे। देखिए ये चीज़ याद रहेगी, उनका असल नाम क्या है, शौकत अली ख़ान। और उसके बाद में सरगर्मियों में ये आ सकता है, पैदाइश कब हुई, 1879 में कहाँ पैदा हुए, उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं। कहाँ से पास किया था, बरेली कॉलेज से बीए पास किया था और कुछ अरसे तक मुदर्रिस रहे। बाद में मुलाजिमत तर्क करके अलीगढ़ में MAO कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। यानी बाद में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल करने में कामयाब हो गए। 1932 ईस्वी में महाराजा राजा किशन प्रसाद की दावत पर हैदराबाद पहुँचे, वहाँ एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हो गए। यानी महाराजा राजा किशन प्रसाद ने उन्हें दावत दी थी कि वो हैदराबाद आ जाए, चूँकि वो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे मायाना शायर भी थे। 1941 में हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ। फ़ानी की शायरी में दर्द व गम के मजामीन की कसरत के सबब फ़ानी को यासियत का इमाम कहा जाता है। आमतौर पर यासियत के माने होते हैं जिसमें उम्मीद व फहम की कैफियत में गम का इजहार किया जाता है, इसलिए उसे यासियत का इमाम कहा जाता है। अब इनके शेरी मजमू कौन कौन से हैं, इरफानियत फ़ानी, वजदानियत फ़ानी और बाक़ियात फ़ानी इनके शेरी मजमू हैं। चलिए पहले देखते हैं कि पहले पढ़ लेते हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में हर शेर को अलग तरीके से समझेंगे। खलक़ कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, खलक़ कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का, एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का, एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का, ज़िंदगी भी तो पशेमा है यहाँ लाके मुझे, ज़िंदगी भी तो पशेमा है यहाँ लाके मुझे, ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का, ज़िंदगी भी तो पशेमा है यहाँ लाके मुझे, ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का। तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का, तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का। दिल से पहुंची तो है आँखों में लहू की बूंदे, दिल से पहुंची तो है आँखों में लहू की बूंदे, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का, हर नफ्स उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, हर नफ्स उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, हर नफ्स उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। चलिए इसके अल्फाज माने समझ लेते हैं। माने वो इशारात में पशेमानी, पशेमा होना यानी शर्मिंदा होना, हीला यानी बहाना करना, उम्र गुज़िश्ता यानी गुजरी हुई उम्र। चलिए शुरुआत करते हैं फिर से दोबारा से, इन अशार को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। खलक़ कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का। अब इसमें शायर ने क्या बयान करने की कोशिश की है, शायर इस शेर में बयान करता है कि इस वसी व अरीज़ कायनात में दुनिया की हैसियत एक गोशे की इसी है। इसी मुनासिबत से शायर अपने दिल को कायनात से ताबीर करता है और वो कहता है कि अरे महबूब, दुनिया के लोग जिसे तेरे दीवाने का दिल कहते हैं वो एक वीराना है, एक उजाड़ और गैर आबाद सुनसान जगह है, जज्बात और एहसास से आरी है, ज़िहर उसे खाली और ये दुनिया इसी वीराने का एक हिस्सा एक गोशा है। चलिए अगला शेर समझते हैं। एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का,
जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। शायर क्या कहता है इसमें, इस शेर में शायर कहता है कि ज़िंदगी ख्वाब है। ख्वाब कैसा है, कोई हकीकत नहीं है। ख्वाब कैसा है, जो एक बहुत ही अजीब किस्म का बयान है जिसमें आप अपने आप को अक्ल से आरी समझने लगते हैं। एक शख्स जो जिसको सही दिमाग ना हो, जो पागल हो, ऐसे शख्स कैसे बोल सकता है, दीवाना हो, तो वो शख्स के उस शख्स के ख्वाब की भला क्या हकीकत हो सकती है। और यही चीज़ यहाँ पर शायर ने बयान करने की कोशिश की है कि राज हाय हयात को समझना, ज़िंदगी की हकीकतों को जानना एक मुश्किल काम है, पेचीदा मामला है, इसे समझा समझाया नहीं जा सकता। ज़िंदगी भी तो पशेमा है, यहाँ लाके मुझे ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का। अब शायर इस शेर में क्या कहता है कि ज़िंदगी यहाँ पर लाकर मुझे पशेमा है, परेशान है, शर्मिंदा है। अब क्या है, खुद शर्मिंदा और नादिम है ज़िंदगी को, मेरा वजूद बेकार लग रहा है, मैं बेमतलब इस दुनिया में आया हूँ, आलम वजूद में आकर इस दुनिया में मेरा कोई काम नहीं है। और वो ढूंढती है कि मैं किसी तरीके से मर जाऊँ। तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का। अब इसमें शायर ने बहुत ही गहरी बात कही है। क्या कहता है शायर इसमें, बहुत ही नागानी आफात से मुकाबला करने की बात करता है। लोग आंखें फेर लेते हैं, ज़िंदगी के रंग बदल जाते हैं, वैसे ही मेरे घर का रंग बदल गया है। घर में अजीब तरीके के तमाशे होते हैं, चीख पकार मची हुई है, मातम कदा बना हुआ है, शायद कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान है, पशेमान है, तो रंग बदलता है। अब यहाँ पर शायर ने उसे तशबीहन बयान किया है कि आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का। गम खाना यानी घर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। दिल से पहुँची तो है आँखों में लहू की बूंदे, दिल से पहुँची तो है आँखों में लहू की बूंदे, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का। अब शायर ने इस शेर में क्या कहा है, शायर कहता है कि लहू की बूंदे यानी सुर्खी आ गई है मेरे आँखों में, और मेरी आँखें ऐसा दिख रही है कि जैसा कि शीशे से जो पैमाने की जैसे होते हैं, यानी शीशे पैमाने जो जिसमें शराब उंडेली जाती है, उसकी सुर्खी मेरे आँखों की सुर्खी एक जैसी है। मैं रंजीदा खातिर हो गया हूँ, मेरे दिल का खून हो रहा है, और मेरा खून लहू की बूंदे जो है वो पैमाने में भरी जा रही है, वो इतना ज़्यादा गम में मुब्तला है। हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी। शायर इस शेर में कहता है कि हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। अब इस शेर में शायर ने क्या बयान करने की कोशिश की है, शायर यहाँ पर ज़िंदगी और मौत के दरमियान के फासले को एक अरसा हयात बयान करता है, एक वक्त का सिलसिला बताता है कि अगर तारे नफ्स टूट जाए तो आपकी आलाइश आराइश सब चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी, और आपकी मैयत के सामने ये सारी चीज़ें किसी काम की न रहेगी। तो इसीलिए वो कहता है कि ज़िंदगी जो है नाम है मर मर के जिए जाने का। उम्मीद है ये नज़्म आपको समझ में आई, ये गज़ल आपको समझ में आई होगी। इसके सरगर्मियों के साथ अगले वीडियो में हाजिर होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।